तो दोस्तों इस समय मेरे हाथ में है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बैक बटन मैंने यहाँ से लगा रखा है। ये देखिए यहाँ से बैक हो जाता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स इस बैक बटन को हम साइड वाला बैक बटन कर सकते हैं। यहाँ से साइड करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। और फ्रेंड्स दूसरा बटन, आप ये जो बैक बटन है यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको आप इधर कर सकते हैं, और ये वाला जो बटन है इसको इधर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेटिंग हम कैसे करेंगे अपने सैमसंग गैलेक्सी के किसी भी मॉडल में, यही बताऊंगा आज के वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए मैं किसी भी ऐप को यहाँ ओपन करता हूँ और यहाँ से इसे बैक कर देता हूँ। इस बटन को इधर कर सकते हैं, या फिर इस बैक बटन को हम स्लाइड में यहाँ पे कहीं भी स्लाइड बटन में इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस साइड से आप इसको बैक कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे फिंगर करेंगे तो बैक हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे करेंगे तब बैक हो जाएगा। तो ये सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी डिस्प्ले, डिस्प्ले में चले जाना होगा। डिस्प्ले में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक सेटिंग को देख लेना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये सेटिंग है नेविगेशन बार, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो तरह के बैक बटन यानी कि बैक बटन की सेटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहला देखिए यहाँ पे है, मैंने ये वाला लगा रखा है। देखिए यहाँ पे ब्लू टिक है, अगर मैं इसको यहाँ कर दूंगा तो देखिए जो बैक बटन अभी मैंने दिखाया था यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये बैक हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको स्लाइड से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स देखिए ये दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, ये एक वीडियो के द्वारा हमें बताया भी जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से सिंपली हमें बैक कर देना होगा, और बैक करेंगे तो देखिए हमारा बैक बटन यहाँ पे आ गया है, और फ्रेंड्स यहाँ पे भी बैक बटन आ जाएगा। जैसे कि ये खुल रहा है, यहाँ पे करूँगा तो बैक हो जाएगा, यहाँ पर मैं करूँगा तो बैक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, और फ्रेंड्स फिर से यहाँ से बैक करता हूँ। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स बैक बटन स्लाइड में। तो बैक बटन हमने अपने मोबाइल का स्लाइड में कर लिया है। अगर आपको भी अपने मोबाइल में बैक बटन स्लाइड में करना है तो सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले में जाना होगा। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाएगी नेविगेशन बार, इसमें चले जाना होगा, और ये सारी सेटिंग यहाँ पर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने मोबाइल की बैक बटन की सेटिंग कर सकते हैं गैलेक्सी के किसी भी मॉडल में, यानी सैमसंग गैलेक्सी किसी भी मॉडल में आप साइड से अपने मोबाइल की बैक बटन को सेट कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक अभी नहीं किया है तो कर दीजिए, और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब।